हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. मतलब कि आपको ये जो तीन साइन, सेक और टेन है, इनको कॉट ए की फॉर्म में लिखना है. जैसे कि हमको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, सेक होता है हाइपरटेनियस अपॉन बेस, और टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमें इनको कॉट ए की रेशियो में लिखना है. तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको इस वीडियो में दोनों मेथड बताऊंगी. एक तो हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, दूसरा हम इसको ट्रायंगल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट करके. तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारे रेशियो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे कि हम यहाँ पे सारे एंगल में ए है, तो वो एक्यूट एंगल होना चाहिए. एक्यूट एंगल मींस जो 90 से लेस होता है. तो एंगल बी हमने 90 ले लिया. सी, जो भी एंगल हमें चाहिए वो बेस पर होना चाहिए. यहाँ पे ए है तो हमने ए को बेस पे ड्रॉ किया. तो ए बी इसमें हमारा बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनियस है. पहले हम ट्रायंगल मेथड से कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं. तो कॉट ए होता है, कॉट ए रेशियो, मैं आपको यहाँ पे साइड में इसका मेथड बता देती हूँ कैसे याद रखना है. ये होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी. तो ये जो फर्स्ट है वो होता है साइन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है कॉस, पी अपॉन बी होता है टेन का रेशियो. ट्राइंगल के लिए साइन कॉस टेन, एच अपॉन पी कॉसिक, एच अपॉन बी सेकेंड, और बी लास्ट है कॉट के लिए. तो ये आपको ट्राइंगल के रेशियो को इजीली याद रखने के लिए ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है या मेथड है. अगर आप इसको याद रख लोगे तो आपको सारे रेशियो याद हो जाएंगे. साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक इज एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ट्राइंगल में ए सी हाइपोटेनियस होता है, बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस. बेस सबसे नीचे, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो है ए सी वो है हाइपोटेनियस. तो इसमें कॉट ए होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पे बेस पे कौन आएगा, क्योंकि कॉट ए के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को 1 राइट कर लेते हैं. ठीक है, तो इससे हमें ट्रायंगल कंप्लीट करना है. ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो बेस, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन हो गया, बेस हो गया इसमें कॉट ए, कॉट ए बेस हो गया. तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, 1. तो हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना. अगर हमने हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लिया तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा. तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे इसको यूज करके हम इसके लिए ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर ए, और बी सी वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर इज 1. अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. ये हमारे लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हुई. अब ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद में हम जो भी रेशियो की वैल्यू चाहिए वो हम इसकी हेल्प से राइट कर सकते हैं. जैसे कि हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी. तो इसमें से बी सी की वैल्यू है 1 और ए सी इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो ये हो गया हमारे साइन ए की वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए सेकंड ए की, सेक ए. सेक ए होता है हाइपरटेनियस अपॉन
बेस h अपॉन b, तो यहाँ पे h है AC और बेस बेस है AB, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec A की हाइपोटेनस की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर A डिवाइड बाय बेसिस cot A. और थर्ड वैल्यू हमें चाहिए tan A, तो tan A, tan A होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC और बेस है AB, तो ये हो गया 1 बाय cot A. ये हो गई हमारी तीनों वैल्यू साइन sec tan. और भी रेशियो अगर चाहिए तो हम इससे कंप्लीट 5 रेशियो लिख सकते हैं. अब यहाँ पे सेकंड मेथड, हम सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको 3 आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, जो हमने होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और दूसरी सेकंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए. तो हम इन 3 आइडेंटिटी से ट्राइंगल के सेम रेशियो फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ आइडेंटिटी का यूज करेंगे. आपको जो भी मेथड समझ में आप उसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो साइन ए होता है कॉट की टर्म में चाहिए, तो जहाँ से भी हम कॉट लेकर आ सकते हैं वो वैल्यू को हमें यूज़ करना है. साइन ये आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, लेकिन कॉस से कॉस एक लेकर आना टफ है, सॉरी कॉट लेकर आना टिपिकल हो जाएगा, तो हम दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो कि होती है साइन इक्वल टू 1 बाय कॉस ए के. तो इस आइडेंटिटी को हम इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तब याद आएगा. इसमें आप फर्स्ट मेथड में आपको सिर्फ ट्रायंगल कंप्लीट करना है. साइन ए हमने राइट किया 1 बाय कॉस ए के, तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी कॉस एक से कॉट लाना इजी है. अगर हम यहाँ पे कॉस एक स्क्वायर है, अगर कॉस एक की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट बन जाएगा इस साइड में आके, तो ये आइडेंटिटी से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया. अगर ये कॉस एक स्क्वायर ए की इक्वल है तो ये कॉस एक ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. बोथ साइड में स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर से इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया. अब नेक्स्ट हमें यही वैल्यू चाहिए सेक की टर्म में, सेक ए. तो सेक ए की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और टेन होता है 1 बाई कॉट है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम सेक ए को हमें राइट करना है, तो पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस आइडेंटिटी से. तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी है. तो sec की वैल्यू चाहिए, तो sec हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू होगी. ये हमारी आई है सेकंड नंबर आइडेंटिटी से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सेकंड आइडेंटिटी हमने सॉल्व किया, ये हमारी आई थी थर्ड से. तो सेकंड आइडेंटिटी से sec की वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. अब हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि होती है tan a इक्वल टू 1 बाय cot a. ये जैसे कि आप यहाँ रेशियो में भी देख सकते हैं, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. साइन कॉसेक में भी यही होता है,
कॉस और सेक में भी यही होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल. साइन 1 बाय कॉसेक होगा तो कॉसेक 1 बाय साइन होगा, कॉस 1 बाय सेक होगा तो सेक 1 बाय कॉस होगा, एज इट इज टेन 1 बाय कॉट है तो कॉट 1 बाय टेन. तो हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज किया. अब हम इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हम इसकी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. जो कि है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय 1 बाय कॉट स्क्वायर ए. 10 स्क्वायर होगा 1, 10 होगा 1 बाय कॉट, 10 स्क्वायर इसलिए 1 बाय कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा. नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हम रूट को सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर और इसमें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कॉट ए हो जाएगा. ठीक है, अब हमारी लास्ट वैल्यू, लास्ट हमें फाइंड करना है टेन ए, तो हम इसमें भी लिखते हैं टेन ए. टेन ए से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन ए, अभी ऊपर आपने आइडेंटिटी में देखा टेन ए क्या होता है, यहाँ से टेन क्या होता है 1 बाय कॉट ए, तो यहाँ हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं इसी आइडेंटिटी को यूज करके, टेन हो गया 1 बाय कॉट ए. तो आपको यहाँ पे दो मेथड बताए हैं थ्री वैल्यू फाइंड करने के लिए. या फर्स्ट मेथड में मैंने कोई भी वैल्यू अगर आपको एक्सप्रेस करनी है तो आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, उसका रेशियो लिख लो, जिस क्योंकि सब सारे ट्रिग्नोमेट्री में सभी के दो रेशियो हैं, या तो वो पी बी एच परपेंडिकुलर बेस और हाइपरटेनियस में से कोई भी दो रेशियो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के होंगे. तो थर्ड जो आपको फाइंड करना है, थर्ड साइड, दो साइड तो आपको उसके रेशियो में होगी, थर्ड साइड आपको कैलकुलेशन से फाइंड करनी है. ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो आप किसी भी रेशियो को यहाँ पे राइट कर सकते हैं. दूसरा है आप आइडेंटिटी मेथड, जहाँ पे आपको ये जो पी बी पी एच एच बी में जो इस टाइप से आइडेंटिटी थी वो और ये थ्री आइडेंटिटी, इनको यूज करके और रिमेनिंग रेशियो फाइंड करना है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के दोनों मेथड समझ में आए होंगे. आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपको जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं. आई होप आपको मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया और आप इसी तरह और मेरे नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू.